सर, हमारे TS24 न्यूज चैनल में मैं शिवानी जलोटा आपका तहे दिल से स्वागत करती हूँ। आप कश्मीर से दिल्ली आए हैं और क्या संदेश लेके आए हैं और सरकार से क्या गुजारिश है? सबसे पहले तो मैं TS24 के सभी दर्शकों का अभिनंदन करता हूँ। मैं गिरीश जुयाल, राष्ट्रीय सचिव हूँ हिंदुस्तान स्काउट्स एंड गाइड्स का। जी, क्या संदेश है और क्या सरकार द्वारा गुजारिश है? ऐसा है कि हिंदुस्तान स्काउट्स एंड गाइड्स की स्थापना 1928 में महामना मदन मोहन मालवीय जी ने की थी और इस संगठन के द्वारा लगभग 32 लाख लोगों तक स्कूलों में और ओपन यूनिट के माध्यम से देश के नागरिक को जिम्मेदार नागरिक बनाने के लिए कार्य चलता है। उस कार्य को करते समय अनेक प्रकार की जो कठिनाइयाँ हमारे सामने आ रही हैं, उनमें पहली कठिनाई ये है कि सरकार ने एक नियम बना दिया कि 60 साल से ऊपर वाला कोई भी, 70 साल से ऊपर वाला व्यक्ति कोई भी इस संस्था में पदाधिकारी नहीं रह सकता। इसलिए 60% के लगभग हमारे कार्यकर्ता को हम कोई दायित्व तो नहीं दे पा रहे। और साथ में जो है सरकार, क्योंकि ये हम कार्य जो कर रहे हैं वो स्कूलों में कर रहे हैं और स्कूलों में सरकार की मान्यता हमारे को मिली हुई है, लेकिन स्थानीय स्तर पर कई तरह की समस्याएं अपने लोगों के सामने आ रही हैं, क्योंकि सरकार की एक संस्था है NCC, दूसरी संस्था है NSS, तीसरी है सिविल डिफेंस, इसको पूरी तरह से सरकार चलाती है। और जो दो संस्थाओं में, एक संस्था स्काउट्स एंड गाइड्स के, हिंदुस्तान स्काउट्स एंड गाइड्स, इसमें दो संगठन मिलकर के काम करते हैं। अभी तक इन सब संगठनों ने मिलकर के देश के सिर्फ 3.25 करोड़ लोगों तक अपनी पहुँच बनाई है, जबकि 36 करोड़ पर हमने काम करना है। और इन सब के लिए हमारे को कार्यकर्ता भी चाहिए और संसाधन भी चाहिए, तो सब तरह की चीज़ों में सरकार हमारी मदद करे ताकि हम इस लक्ष्य को पूरा कर सकें कि सभी लोगों के बीच में, सभी पात्र लोगों के बीच में हम लोग जा सकें। जैसे कि अभी इतने साल हो गए आप सरकार से जुड़े हुए हैं और सरकार ने अभी तक आपकी क्या मदद करी और कितने कार्यकर्ता दिए? सरकार ने, कई सरकारों ने तो पूरी तरह से इस कार्य को अपने हाथ में लेकर के इसको काफ़ी बढ़ाया, लेकिन बीच में कोरोना आने के कारण से बहुत तरह के व्यवधान पैदा हुए और 60 साल की उम्र, 70 साल की उम्र तय करने के कारण से कुछ लोग अयोग्य, इस पात्र नहीं रहे, इसके कारण से कई हमारे कार्यकर्ता हमारे साथ काम नहीं कर पा रहे। उनके द्वारा कई केसेस जो है सरकार के ऊपर डाले गए हैं, उन केसों पर जल्दी से जल्दी फैसला आए और जिस काम के लिए संगठन बनाए, 3 साल तो कोरोना के कारण से ख़राब हो गए और बाकी उन सब केसों के कारण से ख़राब हो रहे हैं, वो केस भी समाप्त हों ऐसा हम सरकार से चाहते हैं, जल्द से जल्द उस पर कार्रवाई। मुख्य संदेश क्या देना चाहेंगे हमारे चैनल द्वारा? ये कार्य बहुत ज़रूरी है, भारत का भविष्य, भारत में एक अच्छा नागरिक खड़ा करने में और विश्व बंधुत्व का भाव लेकर के काम खड़ा करने वाले कार्यकर्ता के रूप में हमने खड़ा करना है। तो जो हमारे को कोरोना के कारण से नुकसान हुआ है, जो हमारे को सरकार के इस नियम के कारण से नुकसान हुआ है कि 70 साल से ऊपर वाला कोई काम नहीं कर सकता, इन दोनों कारणों को ध्यान में रख करके हमारे को युद्ध स्तर पर काम करना है और युद्ध स्तर पर काम करने के लिए सरकार को कार्यकर्ता उपलब्ध तो हम लोग कराएंगे, लेकिन इसमें मदद सरकार की हमारे को चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं देखते रहिए TS24 शिवानी जलोटा के साथ। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें अच्छे अच्छे खबरों के लिए। नमस्कार।